हमारा डेस्टिनेशन रक्षाबंधन हो रहा है। मम्मा मच्छर। What's up guys? Good morning and happy birthday to me. So आज हमारा जन्मदिन है। हमारा मतलब हम राजा हैं, इसलिए हमारा जन्मदिन है। एंड आई थिंक यहाँ से जगह नहीं है, यहीं से। हाँ तो है। तो क्या कहना चाहोगी मेरे बर्थडे पे? तो हैप्पी बर्थडे टू यू, देखो यू आर माय स्टार, यू आर माय लव, यू आर माय एवरीथिंग। हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं हम। उसके बाद फिर हमें एक दो जगह और जाना है, तो बने रहिए हमारे साथ माय बर्थडे व्लॉग में। और कल का इसका सेटअप देख लो, कल हमारा सेटअप कैसा लग रहा था और आज तो ऑलमोस्ट उतर गया। सी अभी तो उतर गया है। तो यस, बने रहिए हमारे साथ ऑन माय बर्थडे व्लॉग। सी यू। कल हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे, बट ये फाड़ देंगे ये। हाँ, एक साथ क्या निकलना है बाहर? क्या है, किस बात की इतनी फाइट हो रही है, किस बात की? कल हम लोग विला में थे और आज हम लोग इन टेंट्स में शिफ्ट होने जा रहे हैं, ये वाले टेंट्स में। तो अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को इन टेंट्स का टूर कराऊंगी। फॉर नाउ अभी हम लोग थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इन्होंने तीन चीज़ें बनाई हुई है। मयूर चिल्लाओ मत ना, डोंट शाउट, क्या कर रहे हो? इट्स ओके, चिल। हाय गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, आई होप यू ऑल आर गुड। हाँ, ये इन लोगों का पूरा पर्सनल है, पूरा प्रॉपर्टी इन लोगों का पर्सनल है और इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है। इस जस्ट हम लोगों का बैड लक ये चल रहा है कि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। बारिश होगी तो प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर लगेगी। करेक्ट मम्मा मच्छर। भाई साहब देखो, ऐसे तो चार होता है। मच्छ विला से शिफ्ट होकर टेंट्स में आ गए हैं और ये टेंट का पूरा एंट्री है। टेंट का टूर दे देती हूँ। ये टेंट है लेक व्यू वाले टेंट। ये पूरा बाहर से इस तरीके का है टेंट। एंड लेट्स एंटर। तो ये कॉर्नर पे आपको ऐसा ये स्टैंड सा दिखेगा। तो पूरा बोहू फील टेंट्स में भी दिया हुआ है। ये बेड है एंड ये ऊपर से ऐसी लाइट्स है। इधर राइट हैंड साइड में इन्होंने ये टेबल और ये चेयर दिए। We have AC also, fan, a mini table and वहाँ एक छोटू सा फ्रिज उन्होंने दिया है। ये फ्रिज है और यहाँ पे if you open this तो ये वॉशरूम है and वॉशरूम्स भी बहुत काफ़ी बड़े हैं टेंट्स के। ये ऐसे वॉश बेसिन, पॉट और ये पूरा शार एरिया। तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़े हैं। तो ये वॉशरूम है। इन टेंट्स की सबसे ख़ास बात जिस चीज़ के लिए हमने ये बुक किए थे वो है द व्यू। पूरा लेक व्यू है हमारा। वो दूसरा टेंट वो है, यहाँ पे ऐसे इन्होंने हैमॉक्स वाले झूले लगाए हैं। ये पूरा ऐसे बोहू वाला फील दिया है। ये ड्रीम कैचर्स इस तरीके से इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। सो ऑल ओवर द प्रॉपर्टी इज़ रियली नाइस। दे हैव लाइक थ्री यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेज बोल सकते हो आप। वन इज़ द 3 BHK विला एंड वन इज़ द 4 BHK विला एंड दे हैव लाइक फाइव टेंट्स। सारे फाइव टेंट्स लेक व्यू है। ओनली वन थिंग इज़ बारिश नहीं हो रही है बस, अदरवाइज वेरी गुड। टेंट है हमारा, दूसरा टेंट है और इसका व्यू ये है।
होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, पड़े रहेंगे घंटों पड़े रहेंगे एक जगह। ये लड़का सिर्फ और सिर्फ अपने बर्थडे पे इतनी धौंस जमा रहा है ना, इसने अभी लिटरली मुझे रुलाया है, लिटरली मुझे रुलाया है। और इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है यहाँ पे, मैं दो बारी, एक तो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है ना कि मैं दो बारी देखो पसीने देखो, पर इस बंदे की अक्कड़ नहीं खत्म हो रही है। अभी हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, वो भैया खड़े इधर से ही आना था यार। मैं लेट जाती नहीं चार आदमी ना तुझको ना आने वाले टाइम के ना पूर्णिमा हायर करके रख कि मनाने के लिए, नखरे उठाने के लिए। हाँ यही करना पड़ेगा। हाँ वो ना क्या था, ये तो आज मैं इसलिए चली गई क्योंकि आज इसका बर्थडे है पूर्णिमा, वरना मैं जाती ही नहीं। वाटरफॉल्स ये हमें वहां जाना है, बारिश नहीं हो रही है इसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं हम लोग। वॉटरफॉल के मजे लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों ऐसे बैठे हैं। क्या हो गया भूमि? यहाँ पे एक्चुअली ना ये छोटी छोटी नेल्स है और क्रैब भी है। वो देखो क्रैब देखो हो रहा है और वो अंदर घुस गया है, वो अंदर घुस गया, ढूंढ लो आप, ढूंढ के दिखा दो इसका मजा, दिखा दो नेक्स्ट लेवल। चलो यार दीदी कुछ नहीं है, दीदी काटेंगे नहीं पर ले 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 यार काटे पर क्या हुआ ये क्या? मैं अभी नहीं उतरेगी, पैर में दर्द कर गई, पानी में जाने से यही होता है। एकदम मोटी सी हो गई क्यों? पानी भर गया ना मेरे अंदर, कह रहे एकदम मोटी सी हो गई। अब मैं क्या करूँ, पानी भर गया ना एकदम अंदर। बस ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मजा आया। पहले चिड़चिड़ कर रहा था, जैसे पानी ले गया वैसे मुँह ठीक हो गया ना मेरा, कभी मैं सुसुर नहीं करा। नहीं तुमने बोला प्लीज चलो प्लीज चलो, मायू तुमने पहले कपड़े उतारे फिर पहने फिर वापस जब जाते हुए देखा ना मुझे तो तुम आए। वेरी नाइस। अब यहीं से सीधे ऋषिकेश जा रहे हैं क्या? हर हर महादेव। भूमि मैं इतनी ऊपर से ये फूल तोड़ के लेकर आई थी और तुमने ये फूल फेंक दिया, ये फूल फेंक दिया मुझे, आपकी जान किसको देगी फूल? और तुमने ये फेंक दिया। आजा दीदी फंस गई, दीदी फंस गई है, दीदी फंस गई। पूर्णिमा ट्रैकिंग कर रही थी, कर ली ट्रैकिंग, कैसा लग रहा है? कितने बजे? 8 बजे। नहा के कैसा लगा? रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को, बैलेंस नहीं हो पा रहा। जैक स्पैरो सफर कर रही हूं। कैसा? जैक स्पैरो सफर। जैक स्पैरो? हां वो बॉटल लेकर कैसे? हाँ भाई क्या कहना चाहोगी ये जगह के बारे में? जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ और तो हम लोगों को एक ही चीज़ का बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि बारिश नहीं हुई, अदरवाइज अगर इस वाले एरिया में बारिश हो जाए तो मस्त है। जा रहे हमारे रूम में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ बैठेंगे। पता है मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत जगह गुलाब जामुन खराब खाए, दिस इज वर्स्ट। मतलब गुलाब जामुन हमने गरम बोला था, उन्होंने बिल्कुल ठंडा गुलाब जामुन दिया, ठंडा गरम नहीं, गरम नहीं, गरम नहीं, टेस्ट वाइज। आज हमारे चल वहीं चलते हैं। हमारा
जेंगा का काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है गेम, आप देख सकते हैं। गिरा तो गाइज हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। जी हाँ बारिश पड़ गई है, बारिश स्टार्ट हो गई है, धीमे धीमे हो रही है बट चलो हुई तो सही। और मैं दिखाता हूँ ये कर रही मेकअप, ये इसका मिरर है टेंट में, यही होता अंदर नहीं है क्या मिरर टेंट में ना, अंदर टेंट में वो वॉशरूम में बहुत वो है क्या लाइट कम है। तो ये इसका मिरर है इसका फोन। सो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी धीमे धीमे हो रही है। मेरे बारिश में मज़ा पता है, बारिश में मज़ा कब आएगा, बारिश में मज़ा जब आएगा जब वो नॉन स्टॉप अब से 2-3 घंटे पड़ेगी। तो So let's hope for the best। हमारे घर आ गए, कहाँ से? ससुराल से भाई के आए हो? राखी बनवा लो, राखी बनाने के लिए आए हैं। ये देखो आज हम लोग फुल राखी वाले गेटअप में, क्योंकि राखी वाले दिन कोई भी नहीं है। ये जा रही है दुबई और मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो हम लोग यही राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल लेक पे पास दिल्ली। और ये हमसे पहले जा रही है, कुछ नहीं है, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ भाई, डायरेक्ट बात कर लो। कोई बात, अंदर वो साहब जी लेते हैं, रहने आई है। ओ दूसरी आ गई है, कैसे है? अरे यार मेरा वॉलेट ऐसे हो जाना भाई, क्यों बना कर नहीं रखे, इतना टाइम दिया मैंने, इसलिए तो दिया था इतना टाइम। भैया मेरे राखी के बंधन को माने छोटी सी, ये हमारा डेस्टिनेशन रक्षाबंधन हो रहा है। वेडिंग तो सुनी होगी आपने, रक्षाबंधन नहीं सुना होगा। अब रुक जा, काले कपड़े पहने और आई है मच्छर मेरे पास। दो यार वॉलेट दे दे मुझे, उसमें जितने खुले पड़े वो तो दे दो। तो क्या चाहिए, मेरे पास कैश नहीं है, मानसी को तो नहीं देना है, शादी होगी उसकी। अरे तो दीदी की दीदी कवारी है क्या? शादी को बहुत साल हो गए। दीदी कवारी है क्या? शादी को बहुत साल हो गए। नहीं चाहिए। मैं टच भी तो करती हूँ, तू कर। जूता है? गाड़ी तुम देखी थी? मैं नहीं देखी राखी, देख राखी तुम। आप तो दुबई जा रही हो घूमने के लिए, अभी क्यों बांध रही? सावन भाई को कभी भी कौन सी दे रहे हैं? मिठाई वगैरह कुछ खिलाई नहीं? जूता, एक बहन जूता मारेगी, एक बहन नेवर एंडिंग। सच में नहीं लाया मिठाई? मैं जूता नहीं लाई, मैं दो दिन से अभी चली गई। क्यों बारिश हुई दिखा दे। इतना रोता है ना 100 रुपए के लिए, इतना रोता है ना 100 रुपए के लिए। हम लोगों ने अभी लूडो खेला और मैं जीत गया, आई एम द विनर। 100 रुपए तो दीदी भूमि से लगे, तो पर्स से पैसे मंगा लो। नहीं 100 रुपए मांग रहा है मानसी जी। गले मानसी ये ले, इधर जा तू जी गले। क्या लिया? अरे तो हारे हो तुम लोग, तुम डिजर्व करते हो तुम पैसा देने। एक जी जी करके हैप्पी बर्थडे जंगल आ जाएगा। हाय गाइस, सो इट्स अ नेक्स्ट डे। बारिश हो रही है, क्या हुआ मयूर? कुछ नहीं यार, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है ना। आज हम लोग का चेकआउट है और आज बारिश हो गई है। हम 2 दिन से ऐसे बोल रहे हैं कि यार बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, और यहाँ आते ही मच्छर काटने चालू। हट। सो नाउ वी आर गोइंग बैक होम। 2 दिन हमारे थोड़े बारिश को लेके डिसअपॉइंट हो रहे हैं। क्या रहे हैं? Disappointed. हाँ, थोड़ा बारिश को लेके हम लोग डिसअपॉइंट रहे थे।
दीदी करो ना यार नहीं 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 ये इसका रहता ही है मतलब इसको एकदम से खुजली लगती है उनके डॉग्स बहुत अच्छे थे बहुत अच्छा वेलकम किया उन लोगों ने बोहो डूबी तो डॉग्स का नाम भी उन लोगों ने इस प्रॉपर्टी के नाम पे रखा था क्योंकि इस प्रॉपर्टी का नेम भी बोहो मिल है और डॉग्स का नेम भी बोहो था सो या लेट्स गो